का खेला दिखाई दे रहा है। मेरठ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अब तक की मेरठ में ओवैसी का खेला होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेयर सीट से जुड़ी बड़ी खबर है कि ओवैसी की पार्टी MIM का जो कैंडिडेट है वो मेयर सीट पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मेरठ में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। मेरठ की सीट पर ओवैसी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, मेरठ की मेयर सीट पर AIMIM प्रत्याशी आगे निकल गए हैं, तो ये चौंकाने वाला रुझान सामने आ रहा है और ये बहुत बड़ा सियासी खेला हो सकता है अगर ये रुझान परिणाम में बदल गए। मेयर की सीट पर मेरठ में AIMIM प्रत्याशी आगे चल रहे हैं तो हर कोई पीछे, और जो मुस्लिम कार्ड ओवैसी खेलते हैं उसका एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है मेरठ में। मेरठ की मेयर सीट पर AIMIM प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और मेरठ की मेयर सीट के लिए 10 राउंड की गिनती पूरी हो गई है, जिसमें AIMIM प्रत्याशी ने सभी को पीछे छोड़ दिया और वो आगे चल रहे हैं। मेरठ की मेयर सीट पर AIMIM प्रत्याशी सबसे आगे हैं और 10 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद ये चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का खाता खुल गया है, आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया, तो क्या माना जाए कि ये रुझान परिणाम में बदलेगा और AIMIM इतना बड़ा खाता खोलेगी कि नगर निगम में मेयर बनवा देगी। मेरठ की मेयर सीट पर AIMIM सबसे आगे चल रही है, आज की और यूपी की सियासत की सबसे बड़ी खबर, और अगर ये रुझान परिणाम में बदलते हैं तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। AIMIM प्रत्याशी मोहम्मद अनस मेरठ की मेयर सीट पर सभी को पछाड़ कर आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, कहा तो भाजपा और सपा के बीच में जबरदस्त मुकाबले की बात सामने आ रही थी, कभी सीमा प्रधान आगे निकलती हुई दिखाई दे रही थी तो कभी भाजपा का कैंडिडेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन AIMIM का जो कैंडिडेट है वो मेयर सीट के लिए ये कहा जा रहा है कि बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आगे चल रहा है। 89 वोटों से AIMIM प्रत्याशी ने बढ़त बनाई हुई है मेरठ की मेयर सीट पर। ये बड़ा चटका कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर है सपा के लिए भी और भाजपा के लिए भी, और इस वक्त की बड़ी खबर है कि मेरठ की मेयर सीट के लिए 10 राउंड की गिनती पूरी और AIMIM के प्रत्याशी को लेकर के जानकारी ये कि वो बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।